कैसे आपने सोचा कि स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना है? क्योंकि पंजाब में तो आप सिंगर भी होंगे पक्का, आप गाते भी होंगे। मैम गा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर बात स्पोर्ट्स की आप कर रहे हो तो स्पोर्ट्स में मैं तकरीबन 7th और 8th क्लास में, मेरा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट। ये आप पीछे देख सकते हो, मैं इतने मेडल मेरे एथलेटिक्स में नहीं है जितने मेरे क्रिकेट में है। हाँ ट्रॉफीज वगैरह, या बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन वगैरह। मैं देख पा रही हूँ जी। जी मैंने क्रिकेट में चैलेंज भी किया था इंडियन क्रिकेट टीम में MS धोनी को, कि हाँ मैं सबसे फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ वर्ल्ड में। लाइक जो भी स्पीड है शोएब अख्तर या ब्रेडली वगैरह करवाते हैं उनसे फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हाँ बॉलिंग में इंटरेस्ट था ज्यादा। तो मैम जैसे क्रिकेट पहले खेलता था, उसके बाद कबड्डी बहुत अच्छी खेलता था। तो आप और इसमें कैसे आए, मैम जानने इसमें में मैं कैसे कैसे आए? आया, स्कूल में मेरा ख्याल 9th क्लास की बात थी मैम, मैं कबड्डी खेल रहा था। नेशनल स्टाइल कबड्डी और सर्कल स्टाइल दोनों में मतलब अच्छा था प्लेयर अपनी स्कूल की। 9th क्लास में था बट स्कूल का कैप्टन था। 12th क्लास वाले भी मेरे अंडर में थे, जैसे उनसे भी अच्छा खेलता था बचपन में ही। तो लिफ्टिंग का काफी शौक था। जब मैं 15 साल का होऊंगा तब भी, एक होता क्लीन एंड जर्क वगैरह करते हैं हम गाँव में हाँ देसी हाँ वेट, तो 120, 125, 130 तक उठा लेता था। स्क्वाट वगैरह 250 तक तब भी कर लेता था जब 15 साल का था। तो उसके बाद मैम मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि कबड्डी खेल रहा था स्कूल में और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आए तो वो मेरी कबड्डी का मैच देख रहे थे। एक्चुअली वो एथलीट्स को ट्रेनिंग भी करवा रहे थे, तो मैंने बोला मैम ये क्या डंडा सा फेंक रहे हैं, मैं ट्राई करता हूँ मैम। बोली नहीं, आप कबड्डी में हमारे लिए बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी, तो आप ये रहने दो मैम। नहीं मैं इनसे अच्छा फेंक लूंगा, ये बहुत दूर तो फेंक नहीं रहे। बोले तेरे को लगता ही है ये बहुत दूर फेंक रहे हैं। मैं बोला मैम रिक्वेस्ट है, मैं पाँव पड़ गया जैसे उनके। मैं बोला नहीं मेरे को एक बार ट्राई तो करने दो। तो बोले ठीक है तू मानेगा तो नहीं। तो मैम मैंने ट्राई किया, वो जैसे नियर अबाउट 42 मीटर तक फेंक रहे थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने 52 समथिंग क्रॉस किया। और मतलब स्कूल में सबसे 10 मीटर उनसे आगे हो गया, तो मैडम बोले ठीक है तू कबड्डी छोड़ दे इसमें आ जा। तो इसलिए मेरा जेवलिन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो गया। और फिर ट्रेनिंग इसकी, मेरे को कोई ट्रेनिंग वगैरह का पता नहीं था, क्या इसकी स्पेशल ट्रेनिंग क्या होती है। मैं तो जो हमारी देसी ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग गाँव में होती है, मैं वो गाँव में एक छोटा सा कमरा था उसके अंदर, मैं जिम भी नहीं बोल सकता। खैर अच्छा उसके अंदर मैं, मेरे को याद है मेरे ब्रदर मेरे को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे छोड़ आते थे और 9 बजे निकाल के लेके आते थे, लॉक लगा देते थे बाहर से। 4 घंटे मैम मेरे पास एक कैंडल होती थी, सिर्फ 2 कैंडल मैं लेके जाता घर से, एक बंद हो गई तो दूसरी जला लेता अच्छा जी। उसके बाद इवनिंग में भी सेम मेरे साथ यही होता, 3 घंटे इवनिंग में मेरे को जिम के अंदर छोड़ के कैंडल दे के बाहर से लॉक लगा देते। उनको पता है ये जिम करता है तो मेरी जिम नहीं डिस्टर्ब करते थे। अच्छा और चैलेंजिंग बहुत था अपने ब्रदर के साथ ही चैलेंज कर लेना, वो कौन उठाता है ज्यादा वेट।